Hi guys, welcome back to my channel. I hope that you guys are doing absolutely well and मेरी तरह आपको जुकाम या कोल्ड या कफ नहीं हो रहा है. I hope that you guys are taking care of yourself. So आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है एक कुर्ती हॉल. So yes, for a change मैंने कुछ कुर्तीज ली हैं जो कि इस बार मैंने मिंत्रा या फ्लिपकार्ट या अमेजोन से नहीं ली है. मैंने एक नई वेबसाइट ट्राई की है जिसका नाम है सिलोरी, बट आई एम श्योर कि आपने इसका नाम सुना होगा बिकॉज मैंने बहुत बार जब भी मैं फेसबुक या इंस्टाग्राम स्क्रोल करती हूँ तो मैं इनकी बहुत अच्छी अच्छी कलेक्शन वहाँ पे देखती हूँ और मैं हर बार बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाती हूँ इनकी चीज़ें ट्राई करने के लिए. सो दिस टाइम आई फाइनली थॉट ऑफ बाइंग समथिंग फ्रॉम सिलोरी ब्रांड. सो यहाँ पे आपको मिल जाता है सब कुछ, वेस्टर्न वियर, आपको इंडियन वियर मिल जाता है, आपको बहुत सारी ज्वेलरी मिल जाती है. सो दे हैव लॉट ऑफ कलेक्शन. सो मैंने यहाँ से ट्राई करी है कुछ कुर्तीज जो कि बहुत ज़्यादा कलरफुल है और बहुत ज़्यादा यूनिक है एंड आई होप दैट यू विल बी लाइकिंग दिस वीडियो. इफ दैट हैपेंस देन टू क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैव नॉट डन इट टिल नाउ. ऑल्सो साथ में आपको मिल जाती है एक बेल घंटी जिसको प्रेस करके आपको दो तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, उस पर आप क्लिक कर सकते हो ऑल वीडियो सो दैट जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको साथ ही साथ नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरी वीडियो देख सको. सो या दैट्स ऑल अबाउट द लॉन्ग इंट्रोडक्शन, लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द वीडियो, लेट्स रोल. ओके गाइज, सो द फर्स्ट कुर्ती विच आई हैव विद मी इज दिस वेरी प्रिटी एंड वेरी ब्यूटिफुल कुर्ती. आप देख सकते हो कितनी मल्टी कलर कुर्ती है ये और कितनी ज़्यादा प्रिटी है ये कुर्ती. एंड इसकी जो एक्चुअल पिक्चर है जो कैटलॉग में है वो मैं यहाँ पे दिखा दूंगी ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कुर्ती की होल पिक्चर कैसी है. एंड डेफिनेटली मैं इसको ट्राई ऑन करके दिखाऊंगी तो आपको पता लग जाएगा कि ये पहन के कैसे लग रही है. नाउ कमिंग बैक टू दिस कुर्ती, सो इस तरीके की आपको नेकलाइन मिल जाती है, राउंड नेक है एंड देन यहाँ पे नेकलाइन पे आपको इस तरीके का मेटालिक नेकलेस टाइप मिल जाता है जो कि अटैच्ड है इस पे. देन टॉकिंग अबाउट द स्लीव्स, इस तरीके की 3/4 quarter स्लीव्स है और इनका कलर जो है स्लीव्स का ग्रीन कलर का है एंड देन यहाँ पे आपको ये पैच टाइप का मिल जाता है ऑरेंज कलर का जस्ट टू गिव अ कॉन्ट्रास्ट टू दी कुर्ती. नाउ कमिंग बैक टू दी कुर्ती, इतनी शॉर्ट कुर्ती है ये ब्लू कलर में जो हमें यहाँ पे दिख रहा है एंड साइड में आपको दोनों साइड पे ये इस तरीके की स्लिट्स मिल जाती है. दोनों साइड पे ये स्लिट्स हैं जो कि बहुत अच्छे से बॉटम वेयर को भी आपके दिखाती है और स्लिट्स पे अगेन ये ऑरेंज कलर का पैच वर्क है या आप कह सकते हो कि इस तरीके का बॉर्डर दे रखा है इन्होंने. और फ्रंट में जो कुर्ती क्या है नेवी ब्लू कलर और इस तरीके का ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सा प्रिंट है. सो ऑल इन ऑल इसमें सारे कलर्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप का प्रिंट भी दे रखा है. सो स्टार्टिंग में हमें ये नेवी ब्लू कलर का यहाँ तक कुर्ती देखने को मिलती है और इस पे इस तरीके का प्रिंट है. बैक में भी आपके पास इस तरीके का प्रिंट है. कमिंग टू द बॉटम, आपको इस तरीके का बॉटम मिलता है ब्लू कलर का. यहाँ पे जो है ये मटेरियल है यहाँ पे और देन बॉटम पे देन अगेन ऑरेंज कलर का यहाँ पे इन्होंने दे रखा है जो कि अच्छा सा फ्लेयर दे देता है इसको. सो बेसिकली ऐसा लगता है कि आपने स्कर्ट और कुर्ती पहन रखी है बट इट इज अ वन पीस कुर्ती, फुल वन पीस कुर्ती है ये, सेपरेट नहीं है बट ऐसा लगता है कि आपने ऊपर कुर्ती पहन रखी है एंड देन नीचे आपने स्कर्ट पहन रखी है. सो बहुत ज्यादा हैवी लगती है कुर्ती. आई मीन पहनने में काफी ज्यादा लाइट वेट है बट ऐसा लगता है कि आपने कुछ हैवी कुर्ती पहन रखी है. सो इसकी फ्लेयर की बात करूं तो बिकॉज ये स्कर्ट टाइप इन्होंने दे है तो नीचे इसका फ्लेयर भी काफी अच्छा है. और फैब्रिक की बात करूं तो इसका जो फैब्रिक है वो है कॉटन का फैब्रिक. सो बहुत ज्यादा थिन फैब्रिक नहीं है, थोड़ा बहुत थिक फैब्रिक है और ऐसा लगता है कि कपड़े में हाँ जान है. सो फैब्रिक भी बहुत ज्यादा अच्छा है. और इसकी साइज की बात करूं तो यहाँ पे जो मैंने अपने लिए साइज लिया है वो लिया है साइज मीडियम और इसकी जो फिटिंग है मुझे बिल्कुल परफेक्ट आ रही है. बहुत ज्यादा भी फिट फिट नहीं है और बिल्कुल लूज भी नहीं है, तो मतलब एकदम अच्छी वाली फिटिंग लग रही है मुझे इसकी अपने ऊपर. सो अगर आप ये कुर्ती खरीदना चाहते हो तो आप इसको साइज चार्ट के अकॉर्डिंगली ले सकते हो, बिल्कुल परफेक्ट है साइज चार्ट के अकॉर्डिंग. और मेरी अपनी मेजरमेंट्स भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी तो आप चाहो तो वहां से देखकर भी आपको एक अच्छा सा आइडिया लग जाएगा बॉडी साइजिंग. और इसके मैं अगर लेंथ की बात करूं तो मैंने यहाँ पे 2-3 inches की हील पहनी हुई है और मेरी हाइट जो है अराउंड 5'2" to 2.5" है. सो लेंथ मुझे इसकी बिल्कुल परफेक्ट लग रही है विद दी हील्स, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि पैरों में आ रहा है या कुछ है. सो लेंथ भी मुझे इसकी काफी ज्यादा अच्छी लग रही है. सो आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल दी एस्पेक्ट ऑफ दिस कुर्ती. एंड अगर मैं इसको ओवरऑल जज करूं या इसको रिव्यू करूं तो आई थिंक इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है मल्टी कलर है तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है. स्टाइल की बात करूं तो स्टाइल काफी यूनिक
यूनिक है. जैसी कुर्तीज मैं मिंत्रा या फ्लिपकार्ट से लेती आई हूँ उस हिसाब से मुझे इसका स्टाइल बहुत यूनिक लगा. लाइक कुर्ती प्लस स्कर्ट टाइप आपको ये फील देता है, तो काफ़ी हैवी सी फील देता है. साइज़ की बात करूँ तो इसका साइज ट्रू टू साइज चार्ट है, तो आप साइज चार्ट के अकॉर्डिंग ले लेते हो. और मेरे पे तो इसकी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आ रही है और फैब्रिक की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है. और इसका प्राइस है अराउंड 1349 rupees. सो आई वुड से दैट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग जो कि पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो लेकिन स्टाइल बहुत यूनिक हो और बहुत ज़्यादा स्टाइलिश हो, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन. इसके जो बाइंग लिंक्स है, परचेजिंग लिंक है, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से जाके इसको खरीद सकते हो. एंड नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू दी अनदर कुर्ती. या ओके गाइस, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कुर्ती, आई हैव दिस वेरी प्रिटी, वेरी ब्यूटीफुल एंड अगेन वेरी वेरी कलरफुल कुर्ती. अगेन ये काजल स्टाइल कुर्ती है एंड कुछ इस तरीके से दिखती है. एंड आई हैव नोटिस एंड ऑब्जर्व कि इनकी जो भी इस 1200 टू 1500 की रेंज की कुर्तीज है, आपको यहाँ बहुत यूनिक कलेक्शन मिल जाती है एंड बहुत ज़्यादा कलरफुल कलेक्शन है. एंड आराम से आप इसको किसी स्पेशल ओकेजन के लिए या प्री वेडिंग फंक्शंस के लिए आप इसको आराम से कैरी कर सकते हो. लेट्स क्विकली टॉक अबाउट दिस नाउ. सो इस तरीके का आपको नेक डिज़ाइन मिल जाता है, नेक बैंड है और काफ़ी ऊपर तक है. सो हाई नेक कुर्ती है ये. एंड देन बैक में आपको इस तरीके का हुक मिल जाता है टू टाई इट और एक अच्छी सी फिटिंग दे देता है आपके कुर्ती को. देन स्लीव्स की बात करें तो 3/4 quarter स्लीव्स है एंड देन बहुत अच्छी सी और बहुत स्टाइलिश बेल स्लीव्स आपको यहाँ पे रानी पिंक कलर में मिल जाती है, जो कि एक अच्छा सा कॉन्ट्रास्ट दे रही है नियॉन ग्रीन कलर और आपके रानी पिंक कलर को. और इसकी अगर हम प्रिंट की बात करें तो ओवरऑल ये जो कुर्ती है नियॉन ग्रीन कलर की है, देन इसके ऊपर रानी पिंक कलर का प्रिंट है और कुछ कुछ इस पर ब्लू कलर का भी प्रिंट है. सो इस तरीके का बहुत ज़्यादा प्रिटी सा प्रिंट है. लेट मी जस्ट शो यू, इस तरीके का प्रिंट है और यहाँ पे आपको ये टॉप पे इस तरीके के मिलती है एंड देन इस पे नीचे फ्लेयर आ जाता है, इस तरीके का फ्लेयर सा आ जाता है. और बीच में ही यहाँ पे एक ये स्लिट भी है लंबा जो नीचे तक जाता है और आपके आउटफिट को जो है आपके नीचे वाले पैंट्स को बहुत अच्छे से हाईलाइट भी करता है. सो इन्होंने बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट देने की कोशिश करी है. नियॉन ग्रीन कलर देन रानी पिंक कलर है और इन्होंने नियॉन ग्रीन और रॉयल ब्लू कलर का एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करा है. यहीं पे इन्होंने दो साथ में बहुत क्यूट से टैजल्स भी दे रखे हैं एक गुजराती टच देने के लिए इसको. लाइक इन्होंने कोई भी कलर नहीं छोड़ा है इस कुर्ती में और ये जो टैजल्स हैं इनकी वजह से एक थोड़ा सा हैवी लुक भी क्रिएट हो जाता है इस कुर्ती का. इनफैक्ट मैं इसके फैब्रिक की बात करूँ तो इसका जो फैब्रिक है वो प्योर कॉटन का फैब्रिक है, हैवी कॉटन है, थिन फैब्रिक नहीं है, हैवी कॉटन है. लेकिन कॉटन का फैब्रिक होने के बावजूद भी ये जो कुर्ती एक आपको हैवी लुक दे देती है बिकॉज बहुत सारा स्टाइलिंग है इसमें, बहुत सारे कलर्स हैं इसमें और लॉन्ग इसकी जो लेंथ है तो एक लॉन्ग कुर्ती लगती है, तो उस वजह से काफ़ी हैवी लुक क्रिएट हो जाता है इसका. और इसके हमने एक स्टाइल के बारे में बात नहीं करी तो फ्रंट में आप देखोगे तो इस तरीके का स्टाइल है, यहाँ पे इन्होंने कुछ स्टाइल दे रखा है बट ये बार बार ना नीचे फॉल होता रहता है इस तरीके से. सो आई थिंक ये इस तरीके से यहाँ पे अटैच्ड होना चाहिए था, then it would have made some sense, but अभी I don't know इस तरीके से गिरता रहता है बार बार. so इसको मैं एक attached कर लूँगी और मतलब hook या tie up से कुछ attached कर लूँगी तो this would look better. मुझे इसका actually में purpose समझ नहीं आया but yeah I am thinking कि मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से attach कर लूँगी. छोटी सी चीज़ है, not a very big thing to do. so this is this. and अगर मैं इस कुर्ते की साइजिंग की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने लिया है मीडियम साइज एंड बस से तो मुझे इसकी साइजिंग ठीक आ रही है बट वेस्ट से डेफिनेटली मुझे थोड़ा सा लूज है बिकॉज इन्होंने जो मेजरमेंट दे रखी है मीडियम साइज में वो दे रखी है 36 साइज और मीडियम साइज के लिए 36 वेस्ट आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा है और इसमें स्मॉल साइज अवेलेबल नहीं है वेबसाइट पे, विच आई फील कि स्मॉल साइज होना चाहिए है बिकॉज मीडियम की जो वेस्ट है बहुत ज़्यादा है अगर हम और वेबसाइट से कंपेयर करें तो. सो जो है साइज मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि आई वुड हैव टू गेट इट ऑल्टर्ड. और लेंथ की बात करूँ तो अगेन बिकॉज ये थोड़ा सा लूज ही है तो इसकी लेंथ भी मुझे हल्की सी लॉन्ग लगी इफ़ यू कंपेयर टू दी प्रीवियस वन. उसकी लेंथ मुझे एकदम परफेक्ट लगी थी तो इसकी लेंथ भी हल्की सी लॉन्ग है बट स्टिल हील्स के साथ मैनेजेबल है तो यू विल डेफिनेटली हैव टू वेयर हील्स विद दिस वन. उसके बाद इसका फ्लेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, नीचे जाके ये ऐसे स्लिट आ जाता है तो ये नीचे जाके बहुत अच्छा सा फ्लेयर आ जाता है. बहुत प्रिटी, बहुत ब्यूटिफुल, बहुत कलरफुल कुर्ती है ये. नाउ कमिंग टू द बॉटम विच आई हैव गॉट विद दिस वन. सो इस तरीके का ब्लू कलर का बहुत प्रिटी
बॉटम मिला है, इस तरीके का बॉटम है, ये पैंट स्टाइल में बॉटम है. सो सेमी इलास्टिकेटेड है, आगे बैंड है एंड पीछे इलास्टिक है. कोई भी इसमें आपको साइड पॉकेट्स नहीं मिल जाती है. लेंथ इसकी एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट लेंथ आ रही है मेरे ऊपर और बहुत ज़्यादा प्रिटी है ये. इसका फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, रॉयल ब्लू कलर का ये है और इसके ऊपर गोल्डन फॉइल प्रिंट है जो बहुत ज़्यादा क्लासी लग रहा है, बहुत एलिगेंट लग रहा है. और इसका जो नीचे का कट है इस तरीके का, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है. एंकल लेंथ है ये, तो इसकी फिटिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी. एंड इसका इनफैक्ट मुझे कलर कॉन्ट्रास्ट भी बहुत अच्छा लग रहा है, नियॉन ग्रीन कलर का और ये डार्क ब्लू कलर का. सो आई वुड से दैट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम कुर्ती जिसका कलर थोड़ा ब्राइट हो, काफ़ी स्टाइलिश हो, बहुत यूनिक हो, थोड़ी हटके कुर्ती हो एंड इसका फैब्रिक भी कॉटन का हो, बिकॉज काफ़ी सारे लोग जो है ना फैब्रिक कॉटन का प्रेफर करते हैं, बिकॉज कॉटन आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है. और इस कुर्ती की खासियत ये है कि ये कॉटन का फैब्रिक है, स्टिल बिकॉज ऑफ द प्रिंट, बिकॉज ऑफ द स्टाइल एंड एवरीथिंग, ये काफ़ी ज़्यादा हैवी आपको एक लुक दे देती है और एकदम यू नो स्पेशल ओकेजन्स के लिए परफेक्ट है. सो अगर आप ये सब चीज़ें चाहते हो देन यू कैन डेफिनेटली थिंक ऑफ बाइंग दिस वन. अगेन जो इसका लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा. ओके गाइस, सो ये थी सारी शॉपिंग जो मैंने करी सिलोरी वेबसाइट से. एंड ऑनेस्टली मुझे इनकी कलेक्शन बहुत ज़्यादा यूनिक लगी, बहुत ज़्यादा हटके लगी. और सबसे अच्छी बात मुझे ये भी लगी कि मैंने इनको जस्ट ऑर्डर करा एंड मेरा सामान अगले दिन ही आ गया. लाइक वन डे शिपिंग थी और वो भी फ्री शिपिंग. और साथ ही साथ इनका रिटर्न पॉलिसी भी बहुत अच्छा है, 15 डेज में जो है अपना प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हो. सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड फाउंड इट यूजफुल. अगर आपको मेरी चॉइस अच्छी लगी, अगर आपको ये हॉल अच्छा लगा, देन प्लीज लाइक करें बिना मत जाना एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैव स्टिल नॉट सब्सक्राइब. एंड या आई सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. Ta-da! Bye-bye!